मजा आ गया यार, 31 मार्च तक छुट्टी है, मैं तो बहुत खेलूंगा, मैं तो बहुत घूमूंगा। चुप करो, पेपर आने आ रहे हैं, पढ़ाई करना। बहुत भूख लगी है यार। क्यों, स्कूल में इतनी मार खा के तेरा पेट नहीं भरा? थोड़ा सा रह गया है। आज खाने में क्या क्या है? पहले तुम दोनों अपने हाथ अच्छे से धो के आओ। ठीक है। इतनी जल्दी धोया है? हमारे हाथ गंदे थे ही कहाँ। कितने गोरे हाथ है हमारे। इससे कोई मतलब नहीं तुम्हारे हाथ गंदे है कि नहीं। तुम्हें तो पता है आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है। ये कोरोना वायरस क्या है? मुझे बताए, ये चीन से फैल रहा है। हाँ, ये वायरस चीन से फैला है। हमें इस वायरस के बारे में और बताओ। चलो नेहा दी के पास चलते हैं, वो इस बारे में बताएगी हमें। क्या कर रहे हो दीदी? कुछ नहीं। अरे आज ही शैतान मंडली यहाँ पर क्या कर रही है? हम आपसे कोरोना वायरस के बारे में बात करने आए हैं। हाँ दीदी, जल्दी बताओ उसके आ रहे हैं, मुझे उसको रोकना है। हाँ हाँ, बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, हमें मिलके उसे रोकना जो है। देखो, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के शहर वुहान से हुई। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस चमगादड़ से इंसानों में आया है। तो ये वायरस चमगादड़ से इंसानों में कैसे आ गया? चीन के लोग ऐसी ऐसी चीज खा जाते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, जैसे चमगादड़, घोंगा, ऑक्टोपस, ये सब खा जाते हैं, वो भी जिंदा। छी छी, ऐसी चीजें क्यों खाते हैं वो? खाया उन्होंने, भुगत पूरी दुनिया रही है। अब इससे बचने का कोई तरीके बता दो। मुझे पता है। मुझे भी। हाँ बताओ। गौमूत्र, शराब। ये सब बकवास है, इन बातों में ध्यान मत दो। ये सब बकवास है कि गौमूत्र और शराब से कोरोना वायरस ठीक हो रहा है, इन बातों पर ध्यान मत दो। कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। कैसी सावधानियां दीदी? हाथों को अच्छे से धोएं, खांसते छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग करें, अगर खांसी जुखाम और तेज बुखार है तो इसे हल्के में ना लें, डॉक्टर से परामर्श लें। ये सब कोरोना वायरस के संक्रमण के शुरुआती लक्षण हैं। मैं तो खूब पानी पीता हूँ। बहुत अच्छे। लोगों से बात करते समय उचित दूरी बनाए रखें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और घूमना फिरना कम करें। घूमने फिरने से भी फैलता है ये वायरस। बिल्कुल, तुम ही सोचो ये कोरोना वायरस चीन से दूसरे देशों में कैसे फैला। हाँ समझ गई। जो लोग चीन घूमने गए और चीन से दूसरे देशों में गए, उनके द्वारा ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। बिल्कुल सही। इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। ये जनता कर्फ्यू क्या है? जनता कर्फ्यू का मतलब हमें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। अगर हम घर से नहीं निकलेंगे तो ये कोरोना वायरस और नहीं फैल पाएगा। तभी हमारे स्कूलों में छुट्टियां पड़ गई है। हाँ ठीक है, हम 22 मार्च को घर से नहीं निकलेंगे। मैं तो दिन भर सोऊंगा। ये हुई ना बात, हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।